वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नॉनस्टॉप 100 देख रहे थे आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरें अब दिखाते हैं आपको विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेट को लेकर सरकार ने मंजूरी तो दे दी है लेकिन लोग इसे लेकर भ्रम में हैं। सरकार ने तस्वीर साफ करते हुए कहा कि लोगों से सर्टिफिकेट ही काफी होगा, किसी को भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। अप्रैल से सितंबर 2020 तक होगी जनगणना, जो बड़ी जानकारी प्रकाश जावड़ेकर की ओर से दी गई है। अप्रैल से सितंबर तक जनगणना की बात उनकी ओर से कही गई है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, किसी भी तरह के कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी, यानी कि दस्तावेज लोगों को नहीं देना पड़ेगा। क्या कुछ कहा गया है केंद्रीय मंत्री की ओर से, सुनिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये पहली 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का एक रजिस्टर बना और उसके कार्ड मनमोहन जी ने वितरित किए थे। तो 2015 में इसका अपडेशन हुआ और अभी इसका पूरा एक बार नए, क्योंकि हर 10 साल के बाद ये करना है, तो 2020 में तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों को पहले ही मैं जवाब देता हूं। इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है। एनआरसी को लेकर पहले ही इस देश में विवाद हो रहे हैं, सबके बीच एनपीआर को लेकर भी अब सवाल कई तरह के खड़े होने लगे हैं, जिसको लेकर प्रकाश जावड़ेकर सामने आए और लोगों के मन में जो सवाल चल रहे थे उन सवालों का जवाब देने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। क्या क्या चीजें, देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर, वो आपको हम बता रहे हैं। जानकारी क्या क्या देनी होगी, माता का जन्म स्थान, पिता का जन्म स्थान, निवासी का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी, निवासी का आधार, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसके साथ आपको जानकारी तो अपने बारे में देनी होगी, सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन किसी भी तरह के कोई दस्तावेज देने की जरूरत आपको नहीं होगी, यानी कि इसके जरिए आम लोगों को राहत मिलेगी। अगर कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है तो उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार तकनीकी से ये जनगणना कराई जाएगी, इसके बारे में भी विशेष जानकारी विस्तार से दी गई है प्रकाश जावड़ेकर की ओर से। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेट को सरकार ने मंजूरी तो दे दी है लेकिन लोग इसे लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति में हैं। सरकार ने तस्वीर साफ करते हुए कहा है कि लोगों का खुद से दिया सर्टिफिकेट ही काफी होगा, किसी को भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बार बार इस बात को गिनाते हुए प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री आज नजर आए। In a landmark decision with a tremendous reform in higher defense management in the country, the government has approved to create the post of Chief of Defense Staff in the rank of 4-star general with salary and perquisites equivalent to service chief, and the Chief of Defense Staff will also head the Department of Military Affairs to be created within the Ministry of Defense and function as its secretary. So, we are giving you the full details. केजरीवाल के 5 साल कितने कमाल, सीएम ने खुद अपने कामों का लेखा जोखा पेश किया है। उन्होंने बताया कि क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं। हमारी सरकार आने के पहले हर चुनाव में, चुनाव के पहले दोनों पार्टियां कहती थी हमको वोट दे दो हम कॉलोनी पक्की करेंगे, हमको वोट दे दो हम कॉलोनी पक्की करेंगे। दूसरा कहते थे हमको वोट दे दो हम तुम्हारा काम करा देंगे, गली नाली पानी सीवर दे देंगे। वो कहता था हमको वोट दे दो हम गली नाली सी, ना इसने करा ना उसने करा, दोनों ने धोखा दिया। तस्वीर नंबर 1, ऑटो में भरकर लाए पत्थर। तस्वीर नंबर 2, पुलिस वैन का रोका रास्ता। तस्वीर नंबर 3, सीसीटीवी तोड़कर उपद्रव। तस्वीर नंबर 4, पुलिस पर पत्थरबाजी। बेंगलोर की ये तस्वीर बता रही है कि जब दिमाग में हिंसा का जहर फैल जाए तो इंसान को शैतान बनते देर नहीं लगती। बीते 19 दिसंबर को मैंगलोर में नागरिकता कानून को लेकर हिंसा हुई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी झड़प हुई,
लेकिन आज तक को मिली तस्वीरें बता रही हैं कि उपद्रवी कितने हिंसक। मैंगलोर हिंसा को लेकर तरह तरह की खबरें आई, लेकिन आज तक को मिले वीडियो से ये साफ हो रहा है कि उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ आए थे। जरा देखिए कैसे ऑटो में भरकर पत्थर लाए गए, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे पुलिस बल को सड़क पर खंबा डालकर रोका गया। मैंगलोर की कई तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए, जहां पुलिस दल बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित निकाल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। मैंगलोर के हिंसा में 2 मौत हुई, लेकिन इन तस्वीरों से साफ है कि पुलिस को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। अब मेरे इस तरफ देखे, ये अचुजुद्दीन रोड है, उस तरफ में एक शॉप है, गन शॉप है, जो लाइसेंस शॉप है, उसके अंदर काफी ज्यादा वेपन्स और एम्यूनिशंस रखे हुए थे। वो जो मॉब थी वो इस शॉप तक पहुंच चुकी थी और उसमें तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। साथ ही जो बंदर पुलिस स्टेशन है उसके अंदर भी काफी ज्यादा वेपन्स और एम्यूनिशंस थे, और बार बार जो मॉब है वो पास आते जा रही थी, तो पुलिस को बहुत ज्यादा डर था कि अगर ये मॉब ये गन शॉप या पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। सौरभ वक्तानिया, मैंगलोर आज तक। पत्थरबाजों का काला चिट्ठा खोलने वाला वीडियो आप देख रहे थे। उधर नागरिकता कानून पर राजनीतिक तनातनी लगातार आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज मेरठ कूच कर गए थे, लेकिन मेरठ बाईपास पर यूपी पुलिस ने उन्हें धारा 144 का हवाला देकर रोक लिया और आगे जाने की इजाजत उन्हें नहीं दी गई। परमिशन दे ना दे, लेकिन मैडम का और राहुल जी का कहना है कि हम दोबारा आएंगे। नागरिकता कानून पर राहुल प्रियंका के सियासी कूच पर पुलिस का अड़ंगा। मेरठ जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात के प्लान के आड़े आई पुलिस। बीच सड़क पर राहुल प्रियंका का काफिला, पुलिस की घेराबंदी और रोक पर सवार। रिश्तेदारों से मिलने आ रहे थे जी। अच्छा, कानून व्यवस्था पे कुछ कहना चाहेंगे मैडम? पुलिस ने जाने से रोका तो फोन पर प्रियंका ने की पीड़ित परिवार से बात। की डेथ हुई है, मोहसिन की डेथ हुई है, बच्चा 23 साल का है। जी मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका जी, आप इधर ले जाइए प्लीज, एक मिनट प्रियंका जी। प्रियंका जी और राहुल जी दोनों थे, और प्रियंका जी और राहुल जी को दोनों को इन्होंने जबरदस्ती रोक करके वापस कर दिया, और मतलब ज्यादा जबरदस्ती कर करके उन्होंने वापस कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम 2 दिन बाद आपको परमिशन दे देंगे। तो परमिशन दे ना दे, लेकिन मैडम का और राहुल जी का कहना है कि हम दोबारा आएंगे, और बाकी हम लोग आपसे भी बैठ करके 2 मिनट बात करेंगे। आप आपसे पूरी बात करके उन्हें बतावेंगे और फिर आपके साथ भी करा दी हमने। नागरिकता कानून पर कांग्रेस की सियासी चढ़ाई का ये नया अध्याय है। राहुल प्रियंका मेरठ जाकर हिंसा में मरने वालों के परिजनों से मुलाकात करने वाले थे। काफिला आगे निकला, लेकिन दिल्ली से निकलते ही यूपी पुलिस रास्ते में आकर खड़ी हो गई। राहुल और प्रियंका को लौटना पड़ा, लेकिन राजनीति कहां रुकने वाली है। अरविंद ओझा के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। उधर नागरिकता संशोधन कानून पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। लगातार हिंसा और हंगामे के बीच नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने का एक तरीका ये भी। तस्वीरें दिल्ली के मंडी हाउस की है। हाथ में बैनर पोस्टर लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की ये छात्राएं उस कानून का विरोध कर रही हैं जो इनके मुताबिक काला कानून। दिल्ली का मंडी हाउस इलाका इन छात्राओं की आवाज से गूंजने लगा। कड़कड़ाती ठंड के बीच मंडी हाउस में प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने लगी, नए नए नारे लगने लगे। हाथ में भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी के बड़े बड़े कटआउट के साथ छात्रों की भीड़ जुटी। ऑब्वियसली यहाँ पे अभी इतने सारे भाई बहन सपोर्ट कर रहे हैं, सब एक साथ हैं, तो अभी उसको ले लेना चाहिए मोदी को वापस। अगर ये कानून सरकार लेके आती है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र लगातार नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। आज ये प्रदर्शन यूनिवर्सिटी गेट से निकलकर सड़कों पर आ गया। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच राजनीतिक जोर आजमाइश लगातार जारी है। कल बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कोलकाता में मार्च निकाला, तो आज ममता बनर्जी ने उसी भाषा में दिया है जवाब। कोलकाता की सड़कों पर तेजी से बढ़ते ममता बनर्जी के ये कदम नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की ओर बढ़ रहे हैं। कल बीजेपी का मार्च, आज ममता की रैली। कल बीजेपी नेताओं ने कोलकाता की सड़कें नापी थी,
नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली की थी। आज ममता बनर्जी ने बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन का जवाब उसी भाषा में दिया, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मार्च निकाला। बीजेपी के मार्च में जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय समेत बंगाल से बीजेपी के सांसदों ने हिस्सा लिया। इस मार्च में जुटी भीड़ के जवाब में टीएमसी के भी सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता ममता दीदी के साथ शामिल हुए। कि यह नियम नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता लेता नहीं है। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में गांधी मूर्ति से विवेकानंद हाउस तक मार्च निकाला, बीजेपी को साफ संदेश दिया कि वो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ने वाली। ममता बनर्जी लगातार नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मार्च और रैली कर रही हैं। दो हफ्ते में ममता बनर्जी की ये छठी रैली है। ममता बनर्जी तो इस मुद्दे को यूएन तक ले जाने की बात कह चुकी है। आगे लोग के बोल तो यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंपोर्टेंट जहां एक्सपर्ट्स तादें नहीं एक्टर कमिटी हो, तृणमूलों थाकार दरकार नहीं, बीजेपी रो थाकार दरकार नहीं, अन्य पार्टी रो थाकार दरकार नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ख्रिस्टान कोनो कम्युनिटी थाकार दरकार नहीं। आमरा चाई तारा एक्टा गणभोट संगठित करुक भारतवर्षे। आमरा देखते चाई कटा लोक मानछे आर कटा लोक मानछे ना, जदि ना माने बोलुन रेजिग्नेशन करते बाध्य हबेन। दीदी सीधी कोलकाता से यूएनओ पहुंच गई, संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गई, लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए। अब आपको क्या हो गया? आप क्यों बदल गई? आप क्यों अफवाह फैला रही हो? नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं। ममता बनर्जी ने आज कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, बीजेपी को उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगी। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।